ओके, नाउ इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर 6, व्हाट यू हैव स्टडीड इन लेक्चर 6, देयर आर सम ट्रिक्स नेटवर्क मैनिपुलेशंस फॉर इजी एनालिसिस. वी हैव स्टडीड रजिस्टर इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स. Then we have studied this converting current source, bridge network with the opposite sides, multiplication of opposite sides, resistance is equal to other opposite sides. Then we can convert this complex circuit into this easy circuit. Then we have studied node line concept. Now we have seen that two networks, if they are not grounded, then the current flowing, the resultant current will flowing from them is zero. Next, we have seen that where the KVL and KCL and Ohm's law are applicable. Okay, and in circuit theory, we are studying the frequency range is below 1 megahertz, and after higher 1 megahertz, you will be studying the circuits in your field theory. Okay, these are the examples we were seeing at that day. I think we have discussed this. Next, we have also discussed this. This also has been discussed by us. Okay, I think this is also, we have discussed this also as well. Okay, so in previous class, we have completed to this slide. Okay. Now, in this, before starting a new topic, there are some examples. I hope that you have studied that. Okay, so in this, first find current and voltage in the circuit shown below. ठीक है, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं इसको. देखो, 30 वोल्ट का सोर्स है, 8 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है. ओके, और 3 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 3 ओम एंड 6 ओम आर पैरेलल. Okay, 3 and 6 ohms are parallel, and the resultant, and then 8 ohm is series in series with that, the resultant of 3 and 6 ohm. Okay, what we need to find is find currents and voltage in the circuit. Okay, V1, V2, V3. Okay, and I1, I2, I3. Okay, so सबसे पहले हम इस नोड पे, ये नोड है हमारी एक, ठीक है, इस ए पे हम करंट केसीएल करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं. I1 इज द इनकमिंग करंट एंड I2 एंड I3 आर आउटगोइंग करंट. सो यू कैन सी दिस इक्वेशन नंबर 2, केसीएल एट नोड इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, सिंपल. नेक्स्ट द साइन ऑफ V1 V2 V3 इज मेंशनड. व्हाट इज V1? इट विल बी I1 इनटू 8 ओम. ओके, 8 I1, ठीक है, बाय ओम्स लॉ वी कैन स्टेट दैट. And what is V2? It is 3 into I2. Okay. And what is V3? It is 6 into I3. Simple. So equation number comes from Ohm's law, and equation number 2 comes from KCL. Now, there are two loops. First, this clockwise. We can apply now KVL. Okay. The second loop is this. So in KVL loop first, अप्लाई केवीएल. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव साइन कन्वेंशन में आप दोनों कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव ले सकते हैं, वोल्टेज राइज को भी ले सकते हैं. ठीक है, हमने वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लिया था. ठीक है, तो चलो केवीएल चलते हैं, यहाँ से 30 वोल्ट सोर्स से चलते हैं. यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, माइनस माइनस 30. फिर हम कहाँ पहुंचे, इसके पास क्या साइन आ रहा है, प्लस V1. तो प्लस V1 भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, I1 इंटू 8 ओम. ये रहा. फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे कौन सा करंट है, I2. तो 3 इंटू प्लस 3 इंटू I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लूप 2, है ना. इसके अंदर यहाँ पे चालू करते हैं V3 से. 6 करंट का डायरेक्शन इसमें जा रहा है, प्लस 2 माइनस जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं. 6 इंटू I3 करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर गए. अब ये देखने वाली बात है, जब आप लूप को ऊपर की तरफ गए तो 3 इंटू I2 आना चाहिए था, बट आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया और I2 नीचे की तरफ है, अपोजिट में, तो ये क्या आएगा, -3 I2. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ. ओके, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है,
इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे भी, जब मैं मैश और वो नोडल एनालिसिस करवाऊंगा। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जब आपने लूप टू लिया तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है i3 × 6 उसी फ्लो में मैंने क्लॉकवाइज लिया था, बट यहाँ पे जब 3 ओम के अक्रॉस हम पहुंचे तो i2 अपोजिट में फ्लो हो रहा है। अगर इसी ऊपर ही डायरेक्शन में फ्लो होता तो +3 i2 हो जाता, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो -3 i2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 को आप सॉल्व कर लीजिए। आपके पास इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपके पास जो करंट आएगा वो आएगा i1 = 3 एम्पियर, i2 = 2 एम्पियर, i3 = 1 एम्पियर। ओके, एंड v1 = 24 वोल्ट, v2 = 6 वोल्ट एंड v3 = 6 वोल्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके आरटीयू में एक क्वेश्चन तो आता ही है इस पे, ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और आर इक्विवेलेंट, है ना, बाय सीइंग फ्रॉम नोड दिस, है ना। तो बस सिंपल है, आपको इससे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है तो आप क्या करोगे, उस स्टार और डेल्टा का यूज करोगे वहां पे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, फाइंड आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ बाय सीइंग दिस सर्किट वी कैन सी दैट दिस ब्रांच 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। ओके, तो 6 और 3 का पैरेलल में आप डायरेक्ट ये याद रखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो सिंपल क्या करना है, 6 × 3, ओके, डिवाइडेड बाय उनका समेशन। उनका समेशन कितना है, 9। ओके, तो 6 × 3 / 9 कितना, 18। 2 ओम्स इसका रिजल्टेंट जो आएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो आप सिंपली डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन। ये 1/r = 1/r1 + 1/r2 का शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो कितना आया, 2 ओम। अब ये 2 ओम और 2 ओम, देखो इसके बाद में ये सर्किट मेरा ये बन गया। ओके, 4 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 5 ओम, नेक्स्ट 2 ओम और 2 ओम आ गया। अब ये दोनों 2 ओम और 2 ओम किस में, सीरीज में, सेम 1 ओम और 5 ओम किस में, सीरीज में। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें 4 ओम पैरेलल टू 6 ओम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है पैरेलल में, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, 4 × 6 / 10 कितना है, 10। तो 6 × 4 = 24 / 10, तो 2.4 ओम रेजिस्टेंस आएगा रिजल्टेंट। ये देखो ये वाली फिगर आ गई दिस। ओके, नाउ ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, सिंपली ऐड कर दो, 4 + 2.4 + 8, तो कितना आएगा, 14.4 ओम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, सिंपली कॉम्प्लेक्स सर्किट पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, ये सिंपल है। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नाउ दिस, फॉर द सर्किट शोन इन बिलो फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज वी नॉट। वी नॉट कौन सी दे रखी है मुझे, ये रही, ये फाइंड करना है मुझे। नेक्स्ट, द पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स, ये करंट सोर्स का पावर, पावर क्या होगा, v × i। ओके, तो मुझे, मेरे पास i तो है बट इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि ये V नॉट अगर निकल जाती है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। तो ये देखो प्लस माइनस, तो 3 mA के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V नॉट ही होगी। ओके, ये देखने वाली चीज है, अगर V नॉट आ गया तो मेरा पावर सप्लाइड बाय करंट भी आ गया। ओके, अब पावर सप्लाइड क्यों, पावर सप्लाइड कब होता है, जब प्लस टर्मिनल से आपका निकले, और पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता था, अगर प्लस साइन के अंदर जा रहा है तो वो कंज्यूम करेगा और हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, और बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब सप्लाई। तो देखो प्लस साइन से बाहर निकल रहा है तो अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन इट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई को, ये हम देख चुके हैं। थर्ड हमें क्या निकालना है, द पावर अब्सॉर्ब बाय ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टेंस के अंदर पावर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, v² / r निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो उस रजिस्टेंस के अक्रॉस, या फिर करंट निकाल लो, i² r से निकल जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम करंट निकाल लेते हैं, i1 और i2 निकल जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो पावर जो अब्सॉर्ब होगा वो क्या होगा, i² × r, इसके भी अक्रॉस i² × r। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से, यहाँ पे मुझे पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i0 की वैल्यू कितनी है, 30 mA, मुझे इन दोनों में करंट निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, ये रहा i1, मुझे i1 निकालना है, ये रहा i1 is equal to I not, supplied current कितना है, 30 mA, into मुझे I1 निकालना है, तो ऊपर resistance कौन सा लगोगे, इसके opposite वाला, तो 9 किलो ओम के opposite वाला resistance कौन सा है, 6 किलो ओम और 12 किलो ओम सीरीज में, resultant लेना है इसका, तो 12 + 6 कितना हुआ, 18K, K stands for 1000, okay? तो 18000 divided by total resistance, तो 9 किलो ओम + 18 किलो ओम, ये रहा
तो ये मेरे पास क्या आ गया, 20 मिली एम्पियर कौन सा करंट आ गया, I1 आ गया। ओके I2, अब I2 में आप सिंपल KCL निकाल सकते हो, I0 30 मिली एम्पियर में से I1 को माइनस कर दो, या फिर इसमें भी करंट डिविजन रूल लगा सकते हो। तो करंट डिविजन रूल से अगर हम करें तो क्या आएगा, 30 × 9000 अपोजिट रेजिस्टेंस, I2 निकाल रहे हैं तो हम कौन सा लेंगे, अपोजिट रेजिस्टेंस 9 किलो ओम वाला, तो 9000 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये कितना है 10 मिली एम्पियर। और आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि मेरा सही है कि नहीं, 20 + 30 कितना, 20 + 10 कितना हुआ, 30 मिली एम्पियर, और 30 मिली एम्पियर मेरा सप्लाई आ रहा है तो करेक्ट है। ओके अब मुझे वी नॉट निकालना था, तो वी नॉट विल भी क्या होगा, ओम्स लॉ से I × R, तो I1 क्या आया था 20 मिली एम्पियर, इंटू आर कितना 9 किलो ओम, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका, आपका वी नॉट इज इक्वल टू 9000 × I1। ओके तो और यही वैल्यू अगर आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इस नोड से लेके इस नोड तक सेम है, I2 × दिस का रिजल्टेंट 6 किलो ओम + 12 किलो ओम से भी निकालोगे, यानी 18000 × I2 भी निकालोगे तो सेम आएगा, कितना आया 180 वोल्ट्स, तो वी नॉट आ गया हमारा। चलो अब मुझे सेकंड क्या निकालना था, पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाइड बाय करंट सोर्स वो कितना आएगा, P नॉट इज इक्वल टू V नॉट इंटू I नॉट। ओके V नॉट मेरा कितना है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो कितनी होगी, V नॉट ही होगी, तो 180 है इंटू I नॉट, I नॉट क्या है आपका 30 मिली एम्पीयर, तो कितना आया 5.4 वाट। ठीक है, इसके अलावा आपको सर्किट में इसके अलावा इस सोर्स के अलावा कोई दूसरी सोर्स दिख रही है, नहीं, तो यही पूरा पावर सप्लाई करेगी, कितना कर रही है 5.4 वाट का। अब जितने भी रेजिस्टेंस हैं, मैंने ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़ा है कि पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब्ड, तो हम देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो हम पावर अब्सॉर्ब भी निकालेंगे सब रेजिस्टेंस के अंदर। मुझे बताओ इसके अक्रॉस पावर अब्सॉर्ब क्या होगा, I² × R, यानी I1² × 9 किलो ओम, और दूसरा तरीका भी है V0² / रेजिस्टेंस, ये दोनों सेम आएगा। तो देखो पावर अब्सॉर्ब हमने निकाला है, ठीक है, 1.2 वाट किससे हुआ है, 12 किलो ओम रेजिस्टेंस से, 6 किलो ओम से क्या होगा I2² × R, और 9 किलो ओम का I1² × R, ये तीनों मेरे पावर अब्सॉर्ब हैं। ठीक है, इन तीनों का समेशन कीजिए, ये पावर सप्लाइड के बराबर ही आना चाहिए, तो आपका सवाल सही है, आप टैली कर सकते हो फिर से, तो 1.2 + 0.6 कितना 1.8, 3.6 के ऐड करो कितना आएगा 5.4, तो पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो सर्किट के अंदर कि यू आर डूइंग द करेक्ट वे। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन सिंपल है, आपके पास ये सर्किट दे रखा है, ये आप देख रहे हो डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड है, ए बी और सी इसकी ब्रांच है, जिसका आपका रेजिस्टेंस आर ए है 25 ओम, आर बी है 15 ओम, आर सी है 10 ओम। इसने कहा है कि इसका इक्विवेलेंट स्टार बनाओ, स्टार तो आपको कुछ नहीं करना, एक यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक ऐसे ये बीच में आपको इनको कनेक्ट करना है और इन्हीं का निकालना है, जैसे नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं हम, ये रहा। ओके सो दिस आर द ब्लैक कलर इज गिवन, है ना, डेल्टा हमें गिवन है, और ये जो डॉटेड लाइंस है स्टार सॉरी आपकी रेड कलर की, ये मुझे कैलकुलेट करना है, स्टार के पैरामीटर्स तो निकालने हैं, तो R1 R2 R3 निकालना है मुझे। ओके और RA RB RC मुझे गिवन है, तो ठीक है, तो हम फॉर्मूला आप जानते हो, R1 मुझे निकालना है, तो अगर आपको याद होगा R1 निकालने के लिए क्या होगा, इस ये भी ट्रिक मैंने बताया था, जिस नोड पे कनेक्टेड है उन दोनों के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, RB × RC ये रहा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RA + RB + RC ये रहा। ओके तो इससे हमारा कितना गया 5 ओम। सिमिलरली R2 अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, RC × RA, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ये रटने की जरूरत नहीं है, जिस भी कनेक्टेड है RC × RA अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो तो सेम रहेगा सबके लिए, तीनों केस के लिए सेम, R3 के लिए, ठीक है, R3 के लिए क्या होगा, RB × RA अपॉन RA + RB। तो ये सिंपल सा सवाल था, ये आपका हो गया R1 R2 R3, आपने ब्लैक कलर को हटा दिया, अब आपके पास सिर्फ एक स्टार बना बस इतना, ये। ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट इसमें, ओके दिस इज द लास्ट ऑप्शन। ओके कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB इन द सर्किट फिगर, RAB के अक्रॉस इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ए और बी, ये जो ब्लैक कलर के बी सी डी ये जो दे रखा है आपको, ये पहले से क्वेश्चन में बना बनाया था, ये अपनों ने बनाया है, तो देख सकते हो आप ये जो बी टर्मिनल है, बी नोड, ये थ्रू आउट क्या है, सेम है, क्योंकि
क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये वाला भी क्या है आपका बी है, ये भी नोड कौन सी है बी है, ओके ये क्या है आपका सी और ये क्या है डी। तो सबसे पहला आसान, ये 1 ओम और 5 ओम किस में कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनको ऐड कर दो, सिंपल 6 ओम हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखने वाली ये बात है, ये आपस में यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, ये ऊपर से, तो इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। देखो सी बी ये दोनों नोड्स को मैं एक एक पोटेंशियल पे तो आपस में कनेक्ट कर दूं, बी और बी, तो मुझे बताओ सी बी और यानी सी बी का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम और सी बी यहां से ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, ये दोनों किसमें पैरेलल में है। देखो मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया है, ये रहा सी बी, ये बी पूरा है, 3 ओम तो गिवन है, 6 ओम एज इट इज आ गया। सेम यहाँ पे डी से बी कितना था 4 ओम था, बट यहां से आप चलते हो डी से बी वापस 12 ओम, सेम नोड है 12 ओम, ठीक है। तो इस सर्किट से हमें दिख नहीं रहा था, इस सर्किट को हमने रीड्रॉ किया, ठीक है, हम जानते हैं कि नोड बी आपकी कॉमन है, ठीक है, तो ये दो जगह ना बनाने की एक जगह बना दिया मैंने, ओके। तो ये सर्किट अब आपको क्लियर है, आप आराम से देख सकते हो कि 6 और 3 किसमें पैरेलल में है, तो 6 × 3/9 कितना हो गया आपका 2 ओम, ओके, और ये कितना हो गया 12 पैरेलल 4 वो कितना हो गया 3 ओम और ये 6 ओम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 3 और 6 किसमें पैरेलल में, तो वो 3 ओम हो गया, ठीक है, सॉरी 2 ओम हो गया, और 2 ओम और 1 ओम किसमें सीरीज में, तो 3 ओम डायरेक्ट लिख दिया मैंने और ये 2 ओम एज इट इज था, और 10 ओम। अब 3 और 2 किसमें पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना गया 1.2 ओम, और 10 और 1.2 किसमें आ गए सीरीज में, तो रिजल्टेंट अपना क्या आ गया 11.2 ओम। तो इस सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट को पहले देख नहीं रहे थे, मतलब डायरेक्ट देखने से हमें लग रहा था कि ये सॉल्व नहीं होगा, बट हमने जस्ट रीअरेंज किया इसको, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है आरटीयू में, इसको आपको करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडी इन लेक्चर 6 एंड दिस आर द एग्जांपल्स वी हैव स्टडी। सो हेयर अपना यहाँ पे बेसिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं जो आपके कोर्स में है, बेसिक नोडल एंड मैश एनालिसिस नेक्स्ट है, ये पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद में थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स के अंदर हम ये जो कॉन्सेप्ट है नोडल और मैश एनालिसिस हम लेंगे। तो ये आप पढ़ चुके हो, बट इसमें क्या छोटी छोटी चीजें हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ये सब आता है, बट जो जहाँ गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ये छोटी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ नोडल एनालिसिस। आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, आपको चुनना पड़ेगा कि भी कौन से एनालिसिस से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो बेसिकली नोडल और मैश एनालिसिस क्या है, विद दिस टू टेक्निक्स वी कैन एनालाइज ऑलमोस्ट एनी सर्किट बाय ऑब्टेनिंग अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दैट आर देन सॉल्व टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ करंट एंड करंट और वोल्टेज। बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप सर्किट की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द फर्स्ट टॉपिक टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इन नोडल एनालिसिस, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैश एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ओके। तो नोडल एनालिसिस में बेसिकली क्या है, ये आपको जो मैंने बताए थे नोड्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होते हैं, ठीक है, पाथ क्या होते हैं, तो वहां पे हमने देखा था सबसे पहले आपको नोड्स पहचानने, ठीक है। तो ये बेसिकली 90% क्वेश्चंस, अगर नोडल और मैथ्स को मैं बाद में कंपेयर भी करूंगा, बट आप ज्यादातर हम सर्किट के ना जो प्रेफर करते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, वो हम क्या कौन सा करते हैं नोडल एनालिसिस मेथड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेथड है ये, और किस किसका यूज करता है केसीएल का, सिंपल। मैश एनालिसिस यूजेस केवीएल फॉर इट्स इक्वेशंस, वेयर एज नोडल एनालिसिस यूजेस इट्स किरचॉफ करंट लॉ फॉर इट्स कैलकुलेशंस, ठीक है। अब नोडल एनालिसिस प्रोवाइड्स जनरल पोजीशन फॉर एनालाइजिंग सर्किट यूजिंग नोड वोल्टेजेस, आपको पहले नोड पहचानना है कि कितने नोड्स हैं, फिर बाद में आपको देखना है कितनी नोड वोल्टेजेस हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एलिमेंट वोल्टेज, ठीक है। अब देखते हैं, ये सब थ्योरी आप पढ़ लेना, क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, कि आप नोड वोल्टेज में, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। चलो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लिख देना है सर्किट जो गिवन है उसमें नंबर ऑफ नोड्स लिख देनी है, कि भी नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, ओके नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, सपोज हमारी नोड्स आई एन, ओके। नाउ द स्टेप सेकंड इज डेजिग्नेट अ रेफरेंस नोड, ठीक है, रेफरेंस नोड। अब बहुत सारी नोड्स हैं, उसमें एक रेफरेंस नोड होगी, रेफरेंस नोड कौन सी नोड होगी, वो नोड होगी जहां पे मैक्सिमम ब्रांचेस और एलिमेंट्स कनेक्टेड है,
ठीक है, उसे हम रेफरेंस नोड कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन योर नोडल इक्वेशंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सिलेक्टिंग द नोड विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड टू इट। कैसे पहचानेंगे? ओके, नाउ थर्ड, लेबल द नोडल वोल्टेजेस। अब जो रेफरेंस नोड है उसके अलावा जो भी नोड वोल्टेज बची, जो भी वोल्टेजेस बची उसे हम क्या कहेंगे? नोडल वोल्टेजेस। अगर आपकी एन आपकी रेफरेंस सॉरी एन अगर नंबर ऑफ नोड्स थी तो एन माइनस वन क्या बचेंगे? आपकी नोडल वोल्टेजेस, उनको भी रिप्रेजेंट कर दो, वी वन वी टू वी थ्री। ठीक है, रेफरेंस नोड को वी आर से रिप्रेजेंट कर दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप फोर, जब नोडल वोल्टेज हो गई, अब उसके बाद में आपको सिंपल हर नोड पे केसीएल इक्वेशन लिखनी है बस। ठीक है, राइट ए केसीएल इक्वेशन for each of the non-reference nodes, sum the currents flowing into a node from sources on one side of the equations, on the other side sum the currents flowing out of the node through resistor. अब ये important चीज जो देखने वाली है वो ये, ठीक है, ये pay close attention to negative sign, ये बहुत जरूरी है। आप तो plus mind के चल रहे हो लेकिन question के अंदर ही negative दे रखा है तो उसको हम ignore नहीं करेंगे, उसको हम basically ऐसा question भी लेंगे जहाँ पे आपके negative sign दे रखा होगा। ओके, नाउ स्टेप फाइव, एक्सप्रेस एनी एडिशनल अननोन सच एज करंट और वोल्टेज अदर देन नोडल वोल्टेजेस इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएट नोडल वोल्टेजेस। ठीक है, अब जो भी एडिशनल कुछ भी अननोन दे रखा है उसको भी हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? नोडल, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो कौन सी है? नोडल वोल्टेज, उनकी उनकी थ्रू ही हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस सिचुएशन कैन ऑकर इफ वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स अपीयर इन अवर सर्किट। ये ज्यादातर तभी होगी जब हमारी क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट और आपकी वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो सर्किट के अंदर। ठीक है, स्टेप सिक्स, ऑर्गेनाइज द इक्वेशंस, ग्रुप द टर्म्स अकॉर्डिंग टू नोडल वोल्टेजेस। सिंपल इक्वेशंस लिखनी है आपकी, जितनी जितनी नंबर ऑफ आपकी नोडल वोल्टेजेस होंगे उतनी इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप विल बी टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द नोडल वोल्टेज, देयर विल बी एन माइनस फोर ऑफ देम। अगर नंबर ऑफ नोड्स एन है तो आपके पास n माइनस वन इक्वेशंस होनी चाहिए पूरे उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं बन रही तो अगर नंबर ऑफ नोड्स आपके पास चार आई है तो ये मान लो तीन इक्वेशंस तो बननी ही चाहिए। अगर नहीं बन रही तो अगर दो बन रही हैं, ज्यादा बन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम बन रही है तो फिर दिक्कत है, मतलब आपने कोई इक्वेशन मिस कर दी है। ठीक है, नाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल दिस स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलो एग्जांपल से, दिस इज द एग्जांपल। ओके, व्हाट वी हैव, एक करंट सोर्स है हमारे पास I1, वी आर हैविंग अनदर करंट सोर्स I2। जो भी एक बार फिगर में देखना, जो भी रेड कलर से बना हुआ है ये क्वेश्चन में गिवन है, बाकी जो ब्लैक कलर से बना है ये हमने दी बेसिकली, जब भी सॉल्व करेंगे तो ये हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक सर्किट के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आप जितना भी क्वांटिटी अननोन नॉन क्वांटिटी आप सर्किट पे रिप्रेजेंट कर दो फॉर इजी सॉल्विंग देम। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस गिवन है, I2। ठीक है, अब इसमें मुझे नोड वोल्टेज इक्वेशंस लिखनी है, नोड के थ्रू उसमें डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस R1, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस R3, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस R2, व्हाट इज द करंट बिटवीन करंट इन R1, व्हाट इज करंट इन R2, व्हाट इज करंट इन R3, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ नोड्स देखनी है आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स आपको दिख रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, एक तो है V1 वोल्टेज, एक है आपका V2 और एक है ये रहा। नंबर ऑफ नोड्स कितनी, तीन। अब तीन के अलावा अगर आपको बता दो, आप सोच रहे हो ये और ये दोनों सेम ही है, कोई रेजिस्टेंस से कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, तो मेरे पास तीन आपकी क्या है, नोड्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, आप रेफरेंस नोड बनाओ। ठीक है, रेफरेंस नोड हम नॉर्मली किसे बनाते हैं, जो ग्राउंडेड है। ठीक है, वहां पे सारे के सारे ब्रांचेस क्या टर्मिनेट कर रही हैं, तो आप नोड वन, नोड टू और नोड थ्री में से किसे बनाना चाहोगे, आपके रेफरेंस नोड, जहां पे भी मोस्टली जहां पे वोल्टेज जीरो हो, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो ये जीरो नोड, ये मैंने क्या बना ली, से वी रेफरेंस, वी आर, ओके, वी रेफरेंस नोड बना लिया इसको, तो सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब जितने भी अदर जो वोल्टेज जो भी नोड्स बचे वहां पे क्या वोल्टेज, नोडल वोल्टेज को डिफाइन कर दो। तो ये नोड वन थी, इसको तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैंने क्या कह दिया, वी वन वोल्टेज। ये अपनी नोड टू थी, तो इसको मैंने क्या कह दिया, वी टू वोल्टेज।
ये भी डिफाइन हो गई, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी कुछ डिफाइन हो गई, तो आप अब एक और चीज बताना है मेरे को कि इसके अंदर आप करंट नहीं दे रखा, तो करंट भी बता रखो। इस ब्रांच के अंदर करंट दे रखा है हमारे पास, दे रखा है I1 है। इस ब्रांच के अंदर करंट दे रखा है I2। अब जिस भी ब्रांच में करंट नहीं दे रखा आप अज्यूम कर लो, ठीक है, डायरेक्शन कोई भी आपकी मर्जी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो सपोज इसके अंदर R1 के अंदर करंट मैंने I1 को दिया, करंट नीचे जा रहा है, सेम R2 के अंदर करंट I2 ऐसे जा रहा है और I3 के अंदर ऐसे जा रहा है। आप अपोजिट भी सुन सकते हैं, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा, क्योंकि KCL इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैंने डायरेक्शन अपने आप से बना दी, तो अब मुझे क्या लिखना है, हर एक नोडल वोल्टेजेस पे KCL इक्वेशन लिखनी है। तो नोड वन पे अगर आप KCL लिखो तो क्या आएगा भाई, देखो सारी के सारे I1 इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है सारे, I2 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर वन ये लिखती हूँ, ठीक है। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I1 प्लस I2 स्मॉल I2, ओके, कैपिटल I2 तो हमारा करंट सोर्स है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो नोड वन पे हमने KCL इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, सेम एज इट इज हम कहाँ लिखेंगे, नोड टू पे, ठीक है। नोड टू पे फिर से देखो I3 बाहर की तरफ जा रहा है और I2 आपकी इनकमिंग है, तो इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू देखिए यहाँ पे, I2 प्लस कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2 इज इक्वल टू I3, ये हमने नोड टू पे लिख दी है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। आप जो भी फ्रेंड्स आपके इसको उल्टा लिखेंगे, डायरेक्शन उल्टा लिखेंगे, तो माइनस I2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपका सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक और चीज मैंने आपको मैं बता चुका हूँ कि करंट हमेशा एक रेजिस्टेंस है, ये सपोज एक रेजिस्टेंस है, ओके, ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रेवल करेगा, तभी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर अपोजिट ट्रेवल कर रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव, ओके। तो मुझे ये V1 निकालना है, ये V1 वोल्टेज क्या होगा मुझे बताओ, ये अगर आपको इक्वेशन दिख रही है, ये वाली ब्लैक कलर वाली जो मैं इसको सर्कुलर कर रहा हूँ, आई वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो होता है, ओके। तो अगर इसके अंदर मुझे करंट पता है, I1 मुझे पता है, हायर पोटेंशियल कौन सा है, देखो ये V1 खुद है हायर पोटेंशियल, क्योंकि यहां से ही ट्रेवल कर रहा है, तो V1 और ये VR, ये कौन सा पोटेंशियल है, लोअर, V1 माइनस VR, और VR की वैल्यू कितनी है, जीरो, ग्राउंड है, ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इक्वेशन देखिए यहाँ पे, ये वाली I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस R1, और देखो यहाँ पे प्लस और माइनस वन, तो ये V1 क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लस टू माइनस वन, आपका करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रेवल करता है। सेम एज इट इज आप I2 को निकाल सकते हो, ये I2 ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ, V1, लोअर पोटेंशियल कौन सा हुआ, V2। तो इक्वेशन देखो, I2 क्या हो गया, V1 माइनस V2 अपॉन R2, ठीक है। नेक्स्ट I3 ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ, V2, V2 माइनस V रेफरेंस कौन सा है, जीरो, तो V2 माइनस जीरो अपॉन R3, ये आपकी तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रिंसिपल पोटेंशियल से आया है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से टू लोअर पोटेंशियल एक रेजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, ये भी देख सकते हो आप। अगर आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी मानी होती तो आपका हायर पोटेंशियल क्या होता था, जीरो, और V2 क्या होता है, लोअर पोटेंशियल, ये देखने वाली चीज है, ठीक है। तो मेरे पास ये सब कुछ इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो ये सब सारी चीजें इसमें पुट कर दो। सपोज I1 है, I1 तो हमारे पास गिवन है, I2 कैपिटल I2 ये भी गिवन है, I1 लिखना है मुझे, I1 क्या लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ नोडल वोल्टेजेस V1 माइनस जीरो अपॉन R1, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो V1 अपॉन R1, ठीक है। नेक्स्ट I2 कौन सा फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, हायर पोटेंशियल कौन सा है, V1, तो V1 माइनस V2 अपॉन R2, ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मैंने इक्वेशन नंबर वन को ही इक्वेशन नंबर थर्ड में मॉडिफाई कर दिया। अब मेरे पास अननोन क्या है, मेरे पास अननोन है V1 और V2, I1 और I2 मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ओके, उनकी वैल्यू मेरे पास गिवन, R1 R2 भी मेरे पास गिवन। चलो इक्वेशन नंबर टू को देखो, यहाँ पे इसको लिखो, I2 इज गिवन, व्हाट इज स्मॉल I2,
ये रहा स्मॉल आई टू, फिर से वी वन माइनस वी टू अपॉन आर टू इज इक्वल टू आई थ्री, आई थ्री ये वाला है, ये वाला, तो इसको आप क्या लिखोगे, वी टू माइनस जीरो अपॉन आर थ्री, तो इक्वेशन नंबर फोर। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, अननोन कितने हैं दो। याद करो मैंने बताया था आपको जितने नंबर ऑफ नोड्स होगी उसका एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन टू, दो इक्वेशन बनेंगी पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो थ्री और फोर के दो अननोन है, दो इक्वेशन से ये सॉल्व कर लोगे आप, वी वन और वी टू आ गया, ठीक है। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द अबव इक्वेशंस लास्ट स्टेप इज नोडल एनालिसिस इज टू सॉल्व फॉर द नोड वोल्टेजेस। वी होप आपको ये समझ में आ गया होगा नोडल एनालिसिस, ये सिंपल था, ठीक है। थोड़ा और अगर यहाँ पे करंट सोर्स था, देखो यहाँ पे करंट सोर्स था, नोड वोल्ट कोई वोल्टेज सोर्स नहीं गिवन है, लेकिन अब इफ देयर इज अ वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट तो नोडल वोल्टेज या नोडल एनालिसिस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट केस टू के अंदर, ओके। नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स, ओके। वी नाउ कंसिडर हाउ वोल्टेज सोर्स अफेक्ट नोडल एनालिसिस, ये कंसिडरिंग बिलो टू केसेस। चलो दो केस कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका सर्किट दिख रहा होगा, अ सर्किट दिस। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आप क्या करना है, स्टेप वन क्या थी, नंबर ऑफ नोड्स देखनी है। तो नंबर ऑफ नोड्स दिख रही है आपको वन टू थ्री फोर, पहली स्टेप कंप्लीट। फिर नेक्स्ट इसके अलावा कोई नोड दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है ना, ठीक। इसके बाद में आप देखोगे क्या देखना है, रेफरेंस नोड। तो रेफरेंस नोड हम किसे बनाएंगे, ग्राउंड वाले को, तो इसको हमने रेफरेंस नोड बना दिया। दिस इज माय वी रेफरेंस, जीरो पोटेंशियल जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, जीरो वोल्ट है, बट मुझे वी वन और वी टू और वी थ्री नहीं पता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, अगर आपकी जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले सवाल में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं गिवन थी, हमारे पास क्या था, करंट सोर्स, क्योंकि हम केसीएल लगा रहे हैं। जब भी आप केसीएल लगाते हो तो अगर उस सर्किट के अंदर अगर आपकी वोल्टेज सोर्स मिल जाती है आपको तो आप उसके अंदर केसीएल नहीं लगा सकते, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे अगर वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो दो केस है, ये आपकी क्या है, रेफरेंस मोड है, और ये सारी जो V1, V2, V3 ये कौन सी है आपकी, नॉन रेफरेंस मोड। अगर आपकी वोल्टेज सोर्स, ढंग से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपकी वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस नोड यानी V1 और रेफरेंस नोड के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, V1 माइनस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 10 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। हायर पोटेंशियल कौन सा है, V1 माइनस जीरो, ये गिवन है 10 वोल्ट, तो आपको V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट पता चल गया, डायरेक्ट पता चल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर पहला केस है, अगर आपका वोल्टेज सोर्स आपके रेफरेंस नोड में, रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में पाया गया, तो आप डायरेक्ट V1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब एक रेफरेंस, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ है, ये दिक्कत कर रही है हमारे 5 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्टेज केस टू अगर आपकी वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में है, दो नॉन रेफरेंस, तो V2 क्या है, नॉन रेफरेंस नोड, V3, तब क्या करोगे आप, तब दिक्कत है। मुझे बताओ इसके अंदर मुझे करंट नहीं पता, क्यों क्यों नहीं पता हो सकता, कि भी करंट आप निकाल रहे हो, या फिर इक्वेशन कैसे नहीं लिखोगे आप, इसमें करंट कैसे निकालोगे भाई, करंट इसमें आप कैसे निकालोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो I, चलो I इज इक्वल टू V2 माइनस V3 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस काम गिवन है, ठीक है। तो हमें हमेशा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं गिवन होता, ठीक है। तो जब ऐसा केस आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम इस नोड को ही, जहां पे दो नोड पे कॉमन आ रहा है वोल्टेज सोर्स, उसको हम क्या करें, जो मैं ये सर्कुलर गोला कर रहा हूं उसे हम क्या कहेंगे, सुपर नोड, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि हम सुपर नोड कहाँ कहेंगे, तो सुपर नोड मेरी वो नोड है जहां पे मेरी वोल्टेज सोर्स दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में पाई जाती है। ये सुपर नोड नहीं है 10 वोल्ट वाली, क्योंकि ये V1 और 0 के बीच में, और यहाँ पे डायरेक्ट V1 की वैल्यू मुझे 10 वोल्ट है, लेकिन मैं V2 की वैल्यू अभी नहीं बता सकता कितनी है, V3 की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरी में मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे केस टू के, ठीक है। तो हम इसके अंदर KCL नहीं लगा सकते, KVL तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको नोडल एनालिसिस के लिए क्या चाहिए, KCL चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
ऐसे केस के अंदर इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सुपर नोड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है, सुपर नोड। ठीक है, सुपर नोड क्या होती है, सुपर नोड मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो नोड जहां पे एक वोल्टेज सोर्स पाई जाती है किसके, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल से डिस्कस करते हैं सुपर नोड। देखो फिर से ये मेरे पास ये वाला इक्वेशन ए, फिगर ए आप देख लीजिए, मेरे पास कितनी नोड्स हैं, वन, दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके, दिस वन टू थ्री एंड फोर, चार नोड है, एक को रेफरेंस बनाना है तो इसको रेफरेंस बना लिया, यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो ब्रांचेस हैं सारे टर्मिनेट कर रहे हैं, तो जहाँ पे जितने ज्यादा ब्रांचेस टर्मिनेट करेंगे उसको हम रेफरेंस कर देंगे, और ये ज्यादातर यहाँ पे ये ग्राउंडेड ही रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब जो भी नॉन रेफरेंस नोड है उनको हम क्या करना है, वी वन वी टू वी थ्री, ये से रिप्रेजेंट कर दिया, वन टू थ्री, इसके अलावा कोई नोड बन रहा है, नहीं बन रहा। तो अब देखो यहाँ पे करंट सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, करंट सोर्स से कोई मतलब नहीं, वोल्टेज सोर्स। अब देखो V2 और V3 एक वोल्टेज सोर्स पाई गई 22 वोल्ट की, और किसके बीच में, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में, तो इस पूरे को V2 और V3 को कंबाइंड कंबाइंडली मैंने क्या कह दिया, सुपर नोड कह दिया, मैं बता चुका। ठीक है, तो देखो इसी सर्किट को मैंने रीड्रॉ किया है फिगर 2 में, एक्सपेंडेड व्यू ऑफ रीजन डिफाइंड एज सुपर नोड, ये आपको दिख रहा है 22 वोल्ट, और जितने भी ये ब्रांचेज आ रही हैं उनको मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ से करंट पता है मुझे, करंट आ रहा है, करंट मैं निकाल सकता हूँ बाकी में, बट इसके अंदर मुझे करंट नहीं पता। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको इस नोड को और इस नोड को V2 3 को आपने एक ही मान लिया, मैं कह सकता हूँ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या फिर इन दोनों नोड पे इनकमिंग करंट आप ये कह सकता हूं कि जितना करंट यहां से आएगा उतना करंट यहां से ही जाएगा, कह सकता हूं। तो यानी इस सुपर नोड पे मैं एक केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता अंदर करंट कितना जाएगा, इसलिए मैं पूरी नोड पे लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे सुपर नोड का। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहां पे सिंपल, केसीएल एट नोड वन, केसीएल एट नोड वन देखिए आप, ये रही नोड वन, यहां पे केसीएल क्या लिखोगे, करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या लिखोगे, -8 एम्पियर, अंदर की तरफ मैंने माना ही है, और ये अंदर की तरफ है इसको पॉजिटिव माना है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, -8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये +8 होता तो मैं +8 लिखता। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि इनकमिंग करंट का समेशन जीरो है, तो इक्वेशन नंबर वन में आप देख लो इनकमिंग करंट को मैंने पॉजिटिव माना है, सॉरी यस, -8 और कौन सा है, ये -3, तो -8 + -3 कितना होगा, -0, ये तो इनकमिंग करंट है। अब मैंने मान लिया कि ये दो आउटगोइंग करंट है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से ट्रेवल करता है, तो ये करंट ऐसा है, तो इज इक्वल टू V1 - V2/3। ठीक है, ये कौन सा करंट हुआ, 3 ओम के रेजिस्टेंस, ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला करंट 4 ओम में क्या होगा, V1 - V3/4। तो इक्वेशन नंबर वन दिख रही है आपको, दस, ये नोड वन से आई, जो नॉर्मल नोड है हमारी, नॉन रेफरेंस नोड, ठीक है, सुपर नोड नहीं, ठीक है, नोड वन पे। दूसरी जो दो नोड थी जिनको मैंने एक नोड ही मान लिया और उसे क्या कहा मैंने, सुपर नोड, तो इस फिगर बी को देखो आप, फिगर बी को, तो इनकमिंग करंट मैंने मान लिया कि हर जगह इनकमिंग करंट ही आ रहा है, और इनकमिंग करंट क्या माना, जीरो, चलो ठीक है, तो देख लेते हैं ये इक्वेशन, देख लेते हैं यहाँ पे इनकमिंग करंट को, यहां से इस फिगर में देखते हैं, ये वाली फिगर ए में देखिए, यहां से करंट आ रहा है, एक तो ये वाला करंट इनकमिंग है, इसको क्या मानोगे आप, अंदर की तरफ आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन करंट डायरेक्शन उल्टा है, हम क्या मान रहे हैं, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान रहे हैं, बट ये क्या उल्टा है, तो -3 एम्पियर अगर बाहर मानते हो, लेकिन ये अंदर की तरफ है, तो इसका उल्टा आएगा, क्या आएगा, 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर लिख रखा है मैंने, ये रहा इक्वेशन, 3 एम्पियर लिख लिया। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या लिखा है मैंने, ये वाला करंट, वन सेकेंड, दूसरा करंट कौन सा, ये भी मैंने इनकमिंग करंट मान लिया है, इस नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट है उनकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ये करंट ऐसे डायरेक्शन को V1 - V2/3, सेम ये वाला मान लिया। ओके, अब ऐसे मान रहे हो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये करंट ऐसा है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ, ये जीरो वाला, तो 0 - V2/1, ये इस नोड पे, इस सुपर नोड के, यानी ये वाली, यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। अब मुझे यहाँ पे भी लिखनी है, तो देखो
ये करंट यहां पे आ रहा है अंदर की तरफ, तो ये क्या आएगा, वी वन माइनस वी थ्री अपॉन फोर। ये देखो ये तीन इक्वेशंस तो मैंने वी टू वोल्टेज नोड सुपर नोड के एक एंड पे लिखी है, और ये वाली कहां लिख रहा हूं मैं, दूसरी तरफ। देखिए अब नेक्स्ट ये आ रहा है वी वन माइनस वी थ्री, दूसरा और कौन सा आ रहा है, दो और निकल रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा, इसको भी मैंने अंदर की तरफ माना है, इसको भी मैंने अंदर की तरफ माना है, तो इसको अंदर की तरफ मानोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो हायर पोटेंशियल जीरो माइनस वी थ्री अपॉन फाइव ओम, और ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन वो अंदर की तरफ लिखना है, तो उसको माइनस 25 की जगह लिखूंगा प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू मिल गई मेरे पास। ओके अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, वी वन वी टू, वी वन वी टू, लेकिन मेरे पास तीन वोल्टेज है वी थ्री, एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक इक्वेशन जो आपको सुपर नोड में वोल्टेज गिवन है, देखो ये, अब इस इक्वेशन से लिख सकते हो क्या, 22 वोल्ट है, V2 और V3 का फेज डिफरेंस, सॉरी वोल्टेज डिफरेंस कितना है 22 वोल्ट, तो V2 माइनस V3 लिखोगे तो माइनस 22 आएगा, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल कौन सा है V3, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो, प्लस टर्मिनल वाला कौन सा है V3, V3 माइनस V2 कितना दे रखा है 22 वोल्ट, 22 वोल्ट। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 तीन इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है, और वहां से आप सारी वोल्टेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉल्विंग वन टू, वी वन निकाल सकते हैं, वी टू निकाल सकते हैं, और वी थ्री, वी वन निकल गई तो वी थ्री माइनस वी टू आपको भी निकल जाएगी 22 वोल्ट है। ओके तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड, ठीक है, सुपर नोड का मेन और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी होप आपको ये नोडल एनालिसिस समझ में आया, ये दिस इज 90% क्वेश्चंस के अंदर सर्किट के अंदर थ्रू आउट लास्ट यूनिट वी विल बी डूइंग दिस नोडल एनालिसिस, ये आना बहुत जरूरी है, प्लीज प्रैक्टिस करें, और डायरेक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको कॉम्प्लेक्स लिया है, देखो माइनस 25 है तो मैं अगर अंदर की तरफ ले रहा हूँ तो उसको क्या लूंगा प्लस 25, ये डायरेक्शन किसको शो कर रही है माइनस 25। ओके तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर आज खत्म करते हैं, ठीक है, तो एक सेकेंड मैं फिर अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।